हेलो गाइस, यहाँ हेलिकल गियर का एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। हमें जिसमें पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सारी डिटेल्स गिवन है, हमें फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। नाउ फर्स्ट है कि पावर तो हमें फाइंड करना है। एनपी यानी कि रोटेशन फॉर पिनियन वो 720 आरपीएम दिए गए हैं। फिर जी का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि टीथ ऑफ गियर एंड पिनियन प्रोवाइडेड है, तो वो 5 रहेगा। फिर है सेकेंड स्टेप, तो हमें प्रेशर एंगल फाइंड करना है, तो दिया गया है 20 डिग्री। एंड साई जो कि है हेलिक्स एंगल 25 प्रोवाइडेड है। फिर जेड पी यानी टीथ फॉर पिनियन 20, टीथ फॉर गियर 100। जेड डैश पी हम वर्चुअल टीथ फॉर पिनियन एंड वर्चुअल टीथ फॉर गियर भी हम फाइंड कर लेते हैं साथ साथ में, तो अच्छा रहेगा। जेड डैश पी को जेड बी बाई कॉस क्यूब साई, जेड पी की वैल्यू 20, कॉस क्यूब 25, ये आंसर रहेगा। उसी तरह से जेड डैश जी भी हमने फाइंड कर लिया है। नाउ एसयूपी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड है 600 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बीएचएन सरफेस हार्डनेस नंबर प्रोवाइडेड है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर, ओके। एंड के सर्विस फैक्टर, एनएफ यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, केएम जो कि हमारा केएम होता है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एमएन यानी नॉर्मल मॉड्यूल 4 mm प्रोवाइडेड है, एमटी यानी कि ट्रांसवर्स मॉड्यूल हम फाइंड कर सकते हैं एमएन अपॉन कॉस साई। नाउ थर्ड स्टेप रहेगा कि हमें कैलकुलेट करनी है सारी टर्म्स, सिग्मा बीपी इक्वल्स टू सिग्मा बीजी इक्वल्स टू एसयूटी बाय 3। एसयूटी यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि 600 प्रोवाइडेड है, डिवाइडेड बाय 3 यानी 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारी बेंडिंग स्ट्रेस हमें मिला है, क्योंकि दोनों ही पिनियन एंड गियर सेम मटेरियल से बने हुए हैं। सो हमने यहाँ पर YDSP एंड YDSG यानी कि हमारा लुईस फॉर्म फैक्टर वो हमने टेबल से उनकी वैल्यू कंसिडर कर ली, क्योंकि हमारे पास वो टेबल अवेलेबल है। जब आप एग्जाम में लिखोगे जब तो वहां पर ये लिखना है कि भाई हमने ये सारी डेटा है वो टेबल से डिराइव किया है, वहां से लिखा हुआ है। नाउ स्टेज टू की बारी है। हमें जैसे कि पता चल गया है क्योंकि दोनों गियर एंड पिनियन आर बोथ मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, पिनियन इज ऑलवेज वीकर इन बेंडिंग, पिनियन इज ऑलवेज वीकर इन बेंडिंग, तो ये अल्टीमेट ट्रूथ है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर काफी हार्ड चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा क्योंकि MN मॉड्यूल प्रोवाइडेड है, नॉर्मल मॉड्यूल। सो सिग्मा बीपी जो कि 200 है, बी यहाँ पर हम बीम स्ट्रेंथ फाइन कर रहे हैं, ओके। सिग्मा बीपी 200, बी 40, MN नॉर्मल मॉड्यूल 4 प्रोवाइडेड है, YDSP फ्रॉम टेबल 0.3204। एंड फिर एफ बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की न्यूटन में। फिर एफ डब्ल्यू यानी कि वियर स्ट्रेंथ की बारी है, डीपी बी क्यू के बाई कॉस स्क्वायर साई। फिर डीपी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एम टी इंटू जेड पी उसका फॉर्मूला है, एम टी यानी ट्रांसवर्स मॉड्यूल, एम टी इक्वल्स टू एम एन बाई कॉस साई, जेड पी एज इट इज 4 अपॉन कॉस 25 डिग्री इंटू 20। उनका आंसर आया बीम स्ट्रेंथ और के लिए हमें बी फेस विथ फाइंड करनी है 10 इंटू एम एन, 10 इंटू 4 इक्वल्स टू 40 mm। फिर क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू जेड जी अपॉन जेड जी प्लस जेड पी। नाउ एक्सटर्नल गियर के लिए ये फॉर्मूला है, उन सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट की 1.67 आंसर मिला। के इक्वल्स टू 0.16 इंटू बी एच एन बाई 100 होल स्क्वायर, क्योंकि पिनियन एंड गियर है वो टीथ से स्टील से बने हुए हैं, सॉरी। बी एच एन की वैल्यू हमने पुट कर दी, उनका आंसर मिल चुका है। एफ डब्ल्यू के जो फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज हमें पुट करनी। नाउ सारी वैल्यूज पुट करने से यहां पर कॉस स्क्वायर साई भूल नहीं जाना है। फिर एफ डब्ल्यू की वैल्यू मिली है। नाउ हमें देखना है कि भाई एफ बी एंड एफ डब्ल्यू दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, दोनों का कंपेरिजन करना है। नाउ कैलकुलेशन के हिसाब से इस तरह से हमें ये एफ बी मिला है, एफ बी की वैल्यू एंड एफ डब्ल्यू की वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है। सो एफ डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा है, सो एफ बी इज लेस देन एफ डब्ल्यू, वियर स्ट्रेंथ का फोर्स है वो ज्यादा है। सो हमें डिजाइन करना पड़ेगा बेंडिंग स्ट्रेस के लिए। नाउ डिजाइन बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ, सो उसका फॉर्मूला है सेकेंड स्टेप, एफ बी इक्वल्स टू एन एफ इंटू एफ इफेक्टिव। नाउ हमें एफ इफेक्टिव फाइंड करना है, सो फोर्थ स्टेप है बी इक्वल्स टू पाई डीपी इंटू एनपी बाई 60 इंटू 1000। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, उसका आंसर वेलोसिटी का आंसर आया 3.33 मीटर पर सेकेंड। नाउ एफ टी टेंजेंशियल फोर्स पी अपॉन वी, सो पी तो हमें फाइंड करना है, सो वो हमें ऐसे ही रहने देना है अभी फिलहाल। के वी इक्वल्स टू 5.6 बाई 5.6 प्लस रूट वी, ये कंसिडर करना है हमें, ओके। 5.6 अपॉन 5.6 वी की वैल्यू पुट कर दी, सो आंसर मिला है 0.754 वेलोसिटी फैक्टर।
नाउ सेवेंथ स्टेप है कि एफ इफेक्टिव, हमें डिजाइन कंसिडरेशन पूरी करनी है और पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है. नाउ एफ इफेक्टिव का फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज हमने पुट की एफ टी, तो एज इट इज, क्योंकि एफ टी की वैल्यू हमें नहीं पता है क्योंकि पावर अवेलेबल नहीं है. नाउ एफ इफेक्टिव इक्वल्स टू 1.9894 इंटू एफ टी, ये कुछ रिलेशन हमें मिला. बट जैसे कि हमने आगे देखा था कि बीम स्ट्रेंथ के आधार पर हमें पूरा फॉर्मूला चेक करना है कि भाई वो हमारी डिजाइन कंसिडरेशन सही है कि नहीं. सो हम एफ इफेक्टिव को हम पुट कर सकते हैं, जैसे कि एफ स्टेज फोर में एफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल एन एफ एन इफेक्टिव, एफ इफेक्टिव है कि नहीं वो फाइंड करना है. एफ बी की वैल्यू हमें पता है, वो पुट की इक्वल्स टू एन एफ जो कि प्रोवाइडेड है बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू कंसिडर करके हमें आगे फाइंड करना है. एफ इफेक्टिव का इन फॉर्म ऑफ एफ टी आंसर था. सो हमें यहां से एफ टी की वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाएगी न्यूटन में. सो फोर्स मिल गया टेंजेंशियल फोर्स. नाउ टेंजेंशियल फोर्स की मदद से हम पावर कैपेसिटी, ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं. पी इक्वल्स टू एफ टी इंटू वी, एफ टी इंटू वी. सो ये रहा 8580.93 वॉट पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है. सो अगर किलोवाट में कहा जाए तो 8.580 किलोवाट पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी है जो हमने अभी डिजाइन की है हेलिकल गियर के बारे में. सो एंड ऑल द बेस्ट गाइज.